हेलो एवरीवन आई एम आई सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शन फाइसलीम इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन्स और बेसिक प्रिंसिपल्स के रिलेटेड हम 20 एम पढ़ेंगे जो कि हर एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और पर्टिकुलरली इस वक्त हम जेके एस पी का पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं बाकी और एग्जाम्स में भी जो ग्रेजुएट और सी जी के एग्जाम्स होते हैं उनमें यही आता है इकानमिक्स का ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स आंसर है एडम स्मिथ ठीक है नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विद आंसर है हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व नेक्स्ट इज सिट्रिस पेरिबस मीन्स सीई टी आर आई सिट्रिस पेरिबस का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है अदर थिंग बीग कॉन्स्टेंट नेक्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी डील्स विद आंसर है इंडिविजुअल यूनिट्स नेक्स्ट इज इन इकोनॉमिक्स इन इकोनॉमिक्स गुड्स इन हाँ इन इकोनॉमिक्स गुड इंक्लूड्स मटेरियल थिंग्स विच आंसर है विच कैन बी ट्रांसफर एंड विच कैन बी विजिबल ठीक है नेक्स्ट इज ह्यूमन वांट्स आर आंसर है दे आर अनलिमिटेड ठीक है नेक्स्ट इज नेचर ऑफ पी पी एंड पी पी करवीज आंसर है कंकेव टू द ओरिजिन ठीक है पी पी सी करवा सॉरी ये है ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पी पी सी कनकेव टाइप की ठीक है ना हाँ तो तो नेचर ऑफ द पी 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 सी है ये ठीक है नेचर ऑफ पी पी सी टू कनके ओरिजिन नेक्स्ट इज द पी पी एफ इज लीनियर बिकॉज इज बिकॉज इट इम्प्लाइज कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ठीक है ये पी पी सी है ठीक है ना एफ नहीं है नेक्स्ट इज एनी पॉइंट बियंड पी पी सी करविज आंसर है नेक्स्ट इज इफ एन इकोानमी इज़ वर्किंग एट द पॉइंट लेफ्ट ट दीपी सी कर यहाँ पे भी पी पी सी है कर दैट शोज आंसर है अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है नेक्स्ट इज द मोस्ट फंडामेंटल इकॉनॉमिक प्रॉब्लम इज आंसर है स्कार सिटी ठीक है ना मोस्ट फंडामेंटल इकॉनॉमिक प्रॉब्लम इज स्कॉट सिटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिक्स इज बेस्ट डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ हाउल पीपल बिजनेस गवर्नमेंट एंड सोसाइटीज आंसर है मेक चासीज टू कोप अप विथ स्कर्सिटी ठीक है ना यस yes, ये भी एक डेफिनेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज एन एज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट स्किटी अप्लाइज टू आंसर है बोथ मनी एंड टाइम पे स्कर्सिटी बोथ टाइम और मनी दोनों पे लागू होती है ठीक है नेक्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स फोक्स ऑन आल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वट आंसर है एक्सेप्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई आन इन्फ्लेशन ठीक है इसके अलावा और ये जितनी स्टेटमेंट है इन पर माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करती है मीन्स द परचेजिंग डिशीजन्स दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर मेक्स द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीजिंग द टैक्स आन सिगरेट्स ऑन सिगरेट सेल्स द हायरिंग डिजनस दैट अ बिजनेस मेक्स सो आदि पे इन सभी पे जो है वो माइक्रो इकानमिक्स फोकस करती है सिर्फ इसको छोड़ ठीक है ना क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन वगैरह बड़े डिसीजन ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडिंग स्टडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसिस इन इंडिविजुअल मार्केट्स इज प्राइमरली अ कंसर्न ऑफ आंसर है माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक स्टडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसिस इन इंडिविजुअल मार्केट इज प्राइमरली अंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स नेक्स्ट इज प्रिंसिपल कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स आर आंसर है बोथ एंड बी मीन्स दे आर स्कार्स इन रिलेशन टू आवर नीड्स सेकंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज यस रिसोर्स के ये प्रिंसिपल करेक्ट्रिस्टिक्स हैं नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू दि फैक्ट दैट आंसर है आल ऑफ दिस नंबर वन रिसोर्सार्स दैन ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेडोर्स हैवरनेटिव यूज इन सब की वजह से जो है इकॉनमिक प्रॉब्लम अराइज होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द द रिसोर्सिज फॉर द रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर आंसर है दे आर लिमिटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व स्टेटमेंट्स विच आर आंसर है वेरीफिएबल के पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व स्टेटमेंट्स विच आर वेरीफिएबल नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद आंसर है ओपिनियंस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ओपिनियंस दिए जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए ठीक है तो ये हमने ट्वेंटी एम सी क्यूज़ पढ़े उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहे होंगे सो थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो को शेयर और लाइक्स चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू